दिल्ली रोड टोल प्लाजा के नजदीक पेट्रोल पंप में ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। जनपद बाराबंकी के रहने वाले दीपू पुत्र मिस्त्री लाल व सुधीर पुत्र गोकरण डीसीएम में जेपी नगर से टमाटर भरकर नेपाल जा रहे थे। डीसीएम जैसे ही टोल प्लाजा के नजदीक पेट्रोल पंप में मुड़ी तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम में टक्कर मार दी। डीसीएम में टक्कर इतनी जबरदस्त लगी कि हेल्पर सुधीर की मौके पर ही मौत हो गई और चालक दीपू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा घटित होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की जानकारी के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दीपू को उपचार के लिए भेजने के साथ ही मृतक सुधीर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी देते हुए घायल दीपू ने सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, सर हम उधर से जा रहे थे, दिल्ली की साइड से लखनऊ तरफ जाना था, और उधर से गाड़ी आ रही थी, वो भी अपनी साइड में था, लेकिन वहाँ पे आगे जाके पेट्रोल टंकी थी, उसने ये नहीं देखा कि आगे गाड़ी आ रही है या पीछे आ रही है। उसके पीछे भी गाड़ियाँ थी और मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर मुश्किल से 10 कदम बची हुई थी और उसने एकदम से मोड़ दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, उसी गाड़ी में जाके टकरा दी। कितने लोग थे आपके साथ गाड़ी में? मेरे साथ हम 2 लोग थे, उनको भी छोटे लगे, दूसरे थे, दूसरे जो थे वो तो भी खत्म हो गए, सीमा समाप्त हो गई, मौके भी खत्म हो गए। जी सर, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? हम अमरोहा से टमाटर लाद के और नेपाल गए। नेपाल गए, किस समय हुआ यहाँ सर? ये रात में 1:30-2 के बीच में हुआ। कहाँ हुआ था? यही टूल टैक्स से पहले एक पेट्रोल टंकी है, उसी पेट्रोल टंकी की ही हमको लग रहा है सर, ट्रक भी वहीं की है, खाली ट्रक थी, उसी ने उसी के चक्कर में सब हुआ।